हेलो। हाँ हेलो। जी भैया जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। बहुत जी, और ठीक हो भैया जी? हाँ बढ़िया। हाँ जी भैया जी, उनको तो आराम है पहले से बहुत ज्यादा। क्या हुआ था? उनको नाक में पानी आता था बहुत, काफी टाइम से, 1-1.5 महीना हो गया था। अच्छा बहुत दवाई ली थी तो आराम नहीं आ रहा था उनको। डॉक्टर ने MRI बताई थी। अच्छा तो हाँ जी, आपने क्या दिया? अच्छा तो अब इन्होंने, आपने जैसे बोला तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि मैंने ये चीज ली है, तो मैंने इसका काढ़ा बनाकर भी पिया है और नाक में तेल लगाया है, तो मेरे को पहले से बहुत फर्क है, उन्होंने कहा। हाँ जी, उनका आज ही फोन आया था तो मैंने फिर आपको बताया। मैंने कहा फिर मैं आपको बताऊं। आपने मुझे लिख के भेजा था, भैया जी नमस्ते, मेरी दीदी हैं जिनको 1 महीने से नाक में पानी नहीं रुक रहा है। राइट सर। हाँ जी डॉक्टर को भी दिखाया, इलाज चल रहा है, फिर भी नहीं आराम है। डॉक्टर ने नहीं आराम आ रहा। MRI बताई है, वो हाँ जी अभी नहीं कराई है, कुछ उपाय बताओ। राइट साइड से पानी आता है, ठीक है? हाँ जी तो मैंने आपको बताया कि घरेलू में अदरक, काली मिर्च, अजवाइन, लौंग और गुड़ हाँ जी एक एक चुटकी चबा चबा कर खाना है और 15 मिनट तक पानी नहीं पीना है। जो भी आपने मेरे को ये लिख कर दिया था ना, ये हाँ मैंने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया था। बस उसने मेरे को ये बताया कि जो चीज उन्होंने बताई है ना, मैं 2 दिन से कर रही हूँ तो मेरे को बहुत फर्क है। मैं अब जैसे सोती थी ना तो मेरे को नाक में पानी आता था, अब मेरा वो आना बंद हो गया है। जैसे पहले सारा दिन आता था, अब मेरा बहुत कम हो गया है आना। अब मेरा मतलब बहुत फर्क है मेरे को उन चीजों से, उन्होंने ये बताया। हाँ जी, तो इसमें क्या था तो कि तीन फिर तीन चार बार पीना था, नाक में सरसों का तेल लगाना था हाँ जी, और उसने तेल भी लगाया है और पोटली बनाकर, वो कह रही है मैं कपूर वगैरह डालकर पोटली बनाई है मैंने, जो मैंने अपने पास रखी हुई है, मैं उसको सूंघती भी रहती हूँ भाई मेरे को। हाँ उसमें था अजवाइन, लौंग, जी, काली मिर्च, इनको और हल्का मुश्क भूनकर, कपूर, हाँ और इनको हल्का कपूर भी है। भूनकर हाँ जी पाउडर बना के, कपूर मिला के पोटली बना के सूंघते रहना था। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।